Well, the Congress also continues to dismiss the speculations and reports on Pawan Khera and Supriya Srinath being possibly fielded by the Congress in Varanasi and Amethi, respectively. Congress's Jairam Ramesh has dismissed these reports as rumors and has called it fake news. He also says CEC will decide and announce the name soon. अफवाहें और फेक न्यूज पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जो सीईसी तय करेगा वो ही सही है। जो आप लोग चलाएंगे अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बोलेंगे, मैं इसमें कोई विश्वास नहीं रखता हूं। अफवाहें और फेक न्यूज, कल चुनाव आयोग ने एक चीज कहा है, फेक न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए, वो आप पर भी लागू होना चाहिए, न केवल पार्टियों पर लागू होना चाहिए, चैनलों पर भी लागू होना चाहिए। पार्टी में किस जगह से कौन इलेक्शन लड़ेगा, इसकी एक प्रक्रिया है। सीसीज बनी हुई हैं, वो ये तय करेंगी, वो आपस में बात करेंगी, शीर्ष नेतृत्व से राय मशवरा करेंगी और फिर ये तय होगा कि किस जगह से कौन लड़ेगा। आधिकारिक सूचना बहुत जल्द सूची द्वारा दे दी जाएगी। विनोद बने हुए हैं हमारे साथ अभी भी। विनोद, कांग्रेस पार्टी तो बार बार बाहर आके कह रही है कि अफवाहें हैं, फेक न्यूज है, इसमें कोई सच नहीं है और सीसी जल्द मिलेगी, डिसीजन लिया जाएगा और अनाउंसमेंट भी होगी। बिल्कुल, 18th को बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उसमें ये जो लिस्ट बाकी जो सीट्स बचे हैं खासतौर पर अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश जो सीटें हैं उसको डिसाइड किया जाएगा। माना जा रहा कि पूरी उससे कांग्रेस ने जो 17 सीट तो उत्तर प्रदेश में मिला है उसमें से किसी पे भी अभी कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया है, तो वेट तो करना होगा। लेकिन जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि गांधी फैमिली कम से कम अभी मूड में नहीं है उन सीट्स पर चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया था 2 दिन पहले कि क्या वो अमेठी से कंटेस्ट करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि ये पार्टी डिसाइड करेगी, खड़गे साहब डिसाइड करेंगे, तो पार्टी को डिसीजन लेना है, कल पार्टी डिसीजन करेगी। लेकिन जो खबरें हैं, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है पार्टी में पवन खेड़ा के लिए चुनाव लड़ने के लिए बात कही गई है, सुप्रिया सुनेत को कही गई है, वो तैयार होते या नहीं होते, या फिर पूरी पार्टी का जो डिसीजन होगा सब सारे नेता बैठ के डिसाइड करेंगे वो क्या होगा, वो अभी देखना है, वो तय नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको आप खारिज कर रहे हैं कि ये जो केवल अफवाह कहकर खारिज करना, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बातें पार्टी के अंदर हुई हैं और ये जब पार्टी के अंदर हुई है बातें तो वही बाहर आई हैं जो सोर्सेज इस बात का दावा कर रहे हैं। तो इसको कमी है विनोद, क्योंकि अभी तक 2 लिस्टें निकल चुकी हैं और इन 3 सीटों पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो कहीं तो कंफ्यूजन है कांग्रेस कैंप में। या तो यू नो द गांधी परिवार इज नॉट अग्रीइंग टू इट, या तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की सहमति नहीं मिल रही है, या फिर जो उनका निर्णय है उससे बाकी की पार्टी सहमत नहीं है, तो कहीं तो तालमेल में इश्यू है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये जिस तरह की कंफ्यूजन है इसी वजह से तमाम जो खबरें हैं वो बाहर आ रही है। माना ये जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमारे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक प्रियंका गांधी ने जो अपनी कोर टीम है, जो लोग जमीन पर उनके कार्यकर्ता, उनके अपनी टीम के लोग जो काम करते हैं जमीन पर, उनको बोला गया कि वो अभी रायबरेली में काम ना करें, उनको होल्ड किया गया। कोई भी चुनाव नेता जब चुनाव मैदान में जाता है, खासतौर पर जब कोई हॉट सीट होती है, कोई वीवीआईपी वहां इलेक्शन के लिए जाता है, तो उसकी टीम पहले वहां जाती है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करती है कि कैसी कंडीशन है, क्या वहां लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। अगर लड़ना है तो फिर वो तैयारी शुरू करते हैं, नेता के टिकट अनाउंसमेंट से पहले ही कार्यकर्ता, उनके अपने लोग, उनकी टीम के लोग वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने अमेठी में, रायबरेली में ये नहीं देखा कि राहुल की टीम या प्रियंका की टीम जो है वहां पे ग्राउंड पर काम कर रही हो, तो अचानक से सीट अनाउंसमेंट हो और उसके बाद वो तुरंत मैदान में आए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी बड़े नेता होते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है जिस बड़े कंस्टिट्यूएंसी में, वहां पे उनके कार्यकर्ता, उनके अपने कम से कम अपने कोर टीम के लोग जो है वहां पर जरूर दिखाई देते हैं, वो काम करते हैं, वो फीडबैक लेते हैं, वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ वी आल्सो हैव सिद्धार्थनाथ सिंह ऑफ द बीजेपी जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। मिस्टर सिंह, योर फर्स्ट थॉट्स, यू नो इनसाइड सोर्सेज ऑफ कोर्स सजेस्टिंग टू अस दैट it may not be Rahul Gandhi from Amethi, it may not be Priyanka Gandhi Vadra from Rai Bareilly. The 2 names that we're learning of though in the latest are Pawan Khera from Varanasi, which is going to be a direct contest then between the Prime Minister and Pawan Khera, and Supriya Srinath from Amethi. Well, even if from our viewpoint, even if Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, they contest from the respective seats,
which have been traditionally the family, that we have no problem because we know it is this time again. It will be Amethi we won last time, and this time it will win Raebareli also. But if they are not, as per your sources, if they are, they aren't contesting from these two seats, and as I said, it has been their family seat, then it does show that the largest number of MPs which are going from Uttar Pradesh, they have abandoned, or rather, the UP has abandoned them. Mm. So they have been abandoned by Uttar Pradesh and the people of Uttar Pradesh. It goes to show. Mm. Because Raebareli most certainly has been a Congress bastion, and for the longest time, Amethi also has been with the Congress party. Of course, Union Minister Smriti Irani was leading in Amethi, and made her way to the constituency with a significant margin in 2019, and multiple times has come out to dare Rahul Gandhi as well in the run-up to the 2024 battle that he must contest from Amethi against her. So far, we've not heard from the Congress party officially. They have dismissed all of these claims, these reports, speculations as rumors, but let's see what the Congress has in place, the plan that the Congress has in place. Quickly shifting our attention to more breaking news coming in. All right, we'll just put out more breaking news coming in, another setback to the BRS as well. But before that, like my colleagues have been pointing out, KC Venugopal has conveyed the decision to both the leaders, to both Pawan Khera and Supriya Srinath, and they've been asked to revert soon. We head into a quick commercial break for now. More breaking news update lined up on the other side.